हेलो गाइज मैम रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रसमलाई केक की रेसिपी जिसे मैंने बनाया था अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो ये देखिए कितना लाजवाब सा बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक बन के तैयार हुआ था और किस तरीके से बनाया था हमने अपने केक को तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस केक को किस तरीके से बनाया था तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले एग्स तो क्योंकि ये घर के लिए बनाया था तो मैं इसे प्रीमिक्स से नहीं बनाना चाहती थी अगर ये मुझे मतलब किसी ऑर्डर का केक होता तो मैं इसे प्रीमिक्स से बनाती पर ये मुझे घर के लिए बनाया था और मुझे एग वाले मतलब मेरी फैमिली में सबको एग वाले केक बहुत ही अच्छे लगते हैं बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं तो यहाँ पे मैंने लिए हैं सबसे पहले तीन एग और तीन एग में मैं क्या करूँगी योग को हम अलग कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे और इसका वाइट जो है वो हम अलग से सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने तीन एग में जो योग निकला था वो इस क्वान्टिटी में निकला था तो अब यहाँ पे मैंने लिया है एक कप शुगर एक कप शुगर को हम

अब इस वक्त देख सकते हैं आप इसमें कितनी शाइन आ गई है और हमारे जो पीक्स हमें चाहिए थे वो पीक्स भी इसमें आ गए हैं तो मैंने शुगर को धीरे धीरे करके इसे मिक्स किया था और बीट किया था आप देख सकते हैं आप इसे चेक करने के लिए बॉल को उल्टा करके देख सकते हैं अगर ये उल्टा करने के बाद में अगर आपका क्रीम नहीं जो एग वाइट है वो नीचे नहीं गिरता है तो आपका बिल्कुल सही बना है तो यहाँ पर हमने लिया है जो तीन एग योक लिए थे उसमें मैंने डाल दिया है वन फोर्थ कप के करीब ऑयल आप उसकी जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं पर मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है अब यहाँ पे मैंने इसमें डाला है वनीला एसेंस और उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ रोज एसेंस और इलायची एसेंस और रोज एसेंस अगर आपके पास में नहीं है तो उसकी जगह आप रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर इलायची एसेंस नहीं है तो उसकी जगह आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कप मैदा और उसमें डाला है एक चम्मच क्या बोलते हैं बेकिंग पाउडर बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला है बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है तब इसको चलने से अच्छे से छान लेंगे तो एक्चुअली हमें क्या करना है इसमें थोड़ा सा एयर भरनी है तो उससे क्या होगा हमारे केक न एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा अब पूरे मिक्सचर को हम अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स कर लेंगे ये जो केक है ना एग वाला ये वाला केक इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ आप देखेंगे ना आगे तो आपको यकीन नहीं होगा इतना सॉफ्ट ही बनना था अब यहाँ पे मैंने लिया है एक कप मिल्क जो रूम टेम्परेचर का जो मिल्क होता है वही हमें यूज करना है तो उस मिल्क को हम धीरे धीरे करके डालेंगे हमें पूरा नहीं डालना है एक्चुअली क्या है कि जब एक योग में हम जब डालते हैं अपने मैदे वगैरह को तो मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है सिर्फ उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क यूज किया हुआ है अब मैंने क्या किया जो बहुत टाइट हो रहा था और हाथ में थोड़ा सा ना दर दर्द हो रहा था तो मैंने क्या किया बीटर लिया और बीटर से ने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया ताकि क्या होगा कि इसमें ना हमें बैटर में कोई भी गुठलियां नहीं पड़ेंगी आप देख सकते हैं बीटर से कितना अच्छा सा वो हो गया है अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे जो हमने एग वाइट हमने जो मराइन बना के रखा था एग वाइट का वो मैंने इसमें केवल टू स्पून डाला है और इसको फिर से बीटर से इसको मिक्स करके इन दोनों का एक मिक्सचर बना लिया है करना हम चाहते तो पूरा भी डाल सकते थे लेकिन पूरा मैं नहीं चा, चाहती थी उसमें डालना पहले उसको बीटर से बीट कर दिया अब हम बीटर से बीट नहीं करेंगे अब हम अपने हाथों से ही उसकी फोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे मैं दो दो स्पून लेती जा रही हूँ और फिर इसको इसमें मिक्स करती जा रही हूँ और पूरा इसको मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे हम इसी मिक्सचर को अपने एग वाइट वाले मिक्सचर में डाल देंगे और ऐसा करने से क्या होगा, बीट करने से क्या होता है और धीरे धीरे करके मिलाने से क्या होता है एयरी बनता है और जितना फ्लफी क्लाउडी बिल्कुल कॉटन जैसा बनाना है ना तो ये ट्रिक आप जरूर आजमाइएगा इससे आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा अब मैंने पूरा अपना जो एगोको वाला मिक्सचर था वो एग वाइट वाले मिक्सचर में इसको पूरा तरीके से मिला दिया है और अब इसे धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों मिक्सचर को तो यहाँ पे मैंने अपना लिया है केक टिन और केक टिन में मैंने लगा लिया है यहाँ पे बटर पेपर तो बटर पेपर से क्या होगा हमारा जो केक है ना वो नीचे से लगेगा नहीं और इसको ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं होती बटर पेपर को लगाने के बाद में तो मैंने यहाँ पे कोई ग्रीसिंग वीसिंग कुछ भी नहीं किया है हमारा केक बिल्कुल बढ़िया सा निकल के आएगा और बैटर को इसमें डाल दिया है इस जो इसको जो है वो हम अच्छे से डैप कर लेंगे ताकि इसमें से ना कोई बबल जो हो वो निकल जाएगा तो यहाँ पे मैं अपने उसको भगवने पे बना रही हूँ तैयार हो गया आप देख सकते हैं के है। थोड़ा सा फोकस हो गया आ गया फोकस तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट केक बन के तैयार हो बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी था मतलब मैं आपको क्या बताऊं इतना ज्यादा सॉफ्ट बनता है आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए तो यहाँ पे अब हम लेंगे मैंने लिया है एक कप क्रीम एक कप क्रीम है और मेरा यहां पे जो 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 क्रीम क्रीम का का विप बॉक्स था वो खाली हो गया था था इसमें थोड़ा सा बचा लगभग लग चम्मच चम्मच ही निकला होगा एक्स्ट्रा तो वो भी मैंने इसमें डाल लिया था अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे अपने जो क्रीम है विप क्रीम है इसको अच्छे से बीट कर लेंगे स्टार्टिंग में हमें क्या करना है स्टार्टिंग में हमें मैंने इसको केवल दो पे दो की स्पीड पे इसको बीट किया है अब बाद में

तो उससे क्या होता है कि क्रीम में ना अच्छे से विप नहीं हो पाता कई बार गर्मी के दिनों में स्पेशली तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया उसमें केवल एक बूंद मैंने वो डाला था येलो कलर डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का वो चाहिए था अब यहाँ पे मैंने बाज़ार से ली थी रस मलाई घर में नहीं बनाई थी ये बाजार से क्योंकि घर में बनाती तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता और ये केक मैं अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए बना रही थी और उसी दिन बना रही थी सुबह सुबह तो यहाँ पर मैंने रस मलाई के रस से क्या करेंगे एक आ, उसको अपने केक को ना अच्छे से मॉइस कर लेंगे पूरा भर भर के मैंने इसको डाला है ताकि मेरा केक का बेस जो है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए और अपने क्रीम को अब क्रीम को इसके ऊपर लगा के इसकी लेयरिंग कर लेंगे तो क्रीम है यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छे से मतलब पी वो हुआ था क्या बोलते उसको अच्छा बन के तैयार हुआ था आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं लेयरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझको मेरे हस्बैंड को हम लोग को ना सब बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं आता आप चाहें तो यहाँ पे अच्छी सी मोटी सी उसकी लेयर लगा सकते हैं बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीम फिलिंग नहीं करी हूँ यहाँ पे मैंने लिया है रस मलाई का क्रश इसको थोड़ा सा डालूंगी इसके ऊपर और इसको भी अच्छे, अच्छे से ज्यादा अच्छे तरीके से चारों तरफ से फैला लेंगे अब यहाँ पे लिया है हमने अपना रसमलाई रस मलाई रस का एक पीस लिया था उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें चारों तरफ से फैला देंगे से क्या होगा जब हम केक को कट करेंगे ना खाएंगे तो ये रस मलाई का क्रश और रस मलाई का रस और ये रस मलाई जब मुंह में आएगी ना तो बड़ा मजा आता है खाने में तब यहाँ पे मैंने रख दिया अपने केक की सेकेंड लेयर और फिर से वही प्रोसेस को दोहराना है उसको रस मलाई के रस मतलब मिल्क से उसको सॉफ्ट क्या बोलते हैं उसको लगाना है उसके फिर उसके बाद में क्रीम लगाएंगे और फिर ऊपर से अच्छी तरीके से उसको फैला लेंगे चारों तरफ से एक जैसा इतना ध्यान रखना है कि आप इसको एक जैसा करें ताकि जब केक की जो स्लाइसेस कट होंगे ना तो हमारी लेयरिंग निकल के आएगी और वो देखने में बहुत अच्छा लगता है ना बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है तो यहाँ पे फिर से मैंने रस मलाई के क्रश को डाल दिया था और उसके बाद में अपना जो रस मलाई था उसको डाल दिया था क्रश करके अब यहाँ पे मैंने रख दिया इसकी फाइनल लेयर और मैंने क्या किया यहाँ पे ऊपर ना उसको थोड़ा सा क्रीम बचा था तो वो फैला दिया उसकी वजह से उसमें रस अच्छे से जा नहीं आता लेकिन मैंने अच्छे से उसको सोक किया है क्योंकि हमारा केक एकदम सॉफ्ट बनेगा इससे फिर से वही क्रीम को लगा लेंगे ऊपर चारों तरफ तो से फैला लेंगे पाइपिंग बैग से ही मैंने क्रीम को इससे क्या होता है एक जैसी क्रीम निकल के आती है अब इसको चारों तरफ तो से भी मैंने क्रीम को फैला लिया था तो अब इसकी क्रम कर लेंगे हम लोग क्रम कोटिंग तो क्रम कोटिंग करने के बाद में क्या होगा कि मतलब मैंने बहुत ज्यादा मतलब उसको क्लियर करने करने की कोशिश नहीं की क्रम कोटिंग करने के बाद में मैंने उसे फ्रीज में रख दिया था एक दस मिनट के लिए और फिर उसे निकाल के और फिर से इसकी जो मैंने ऑफ वाइट वाली जो क्रीम बनाई थी उस क्रीम से मैंने इसको फिर से दोबारा लेयर किया था और अब मैं इसे एक जैसा कर रही हूँ और वो वाला जो शूट था वो वाला मैं शूट ही नहीं कर पाई मेरा कैमरा ऑफ रह गया मुझे पता ही नहीं चला अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ एक डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ये एक क्या बोलते हैं इसको मैं भूल ही गई यार इसको क्या बोलते हैं तो ये एक स्टिक ली है मैंने इसमें मैंने जब मतलब टिक्का वगैरह बनाती हूँ ना तो वही वाली रखी हुई थी तो उसको मैंने ऐसे स्लाटिंग टेढ़ा टेढ़ा करके जो बनाते ना ऐसी लाइनिंग के लिए और फिर उसके बाद में उसी को क्रॉस करके बेसिकली हमें जो एक वो आ, चौकोर वाला शेप नहीं होता तो डायमंड वाला जो शेप होता है वो बनाना है और उस डायमंड शेप की जो क्रॉस वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम मैंने क्या किया है वो जो गोल्डन वाले जो एडिबल वाले जो वो होते हैं ना मोती वो लगा दी और यहाँ पे मैं मेरे पास मैं लेस रखी हुई थी मैंने अमेजोन से खरीदी है इसकी परचेस लिंक अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी दे दूंगी तो वो लेस को मैंने इसकी चारों तरफ लगा दिया और इसको लगाने के बाद मैंने एकदम लुक ही चेंज हो जाता है मैं नीचे बॉर्डर नहीं बनाना चाहती थी मैं यही लगाना चाहती थी और ये डिजाइन मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था कि ये मुझे बनाना है तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोज तो रोज के टाइम पे क्या होता है कि मैं जब भी शूट तो रोज बनाते टाइम पे मेरे साथ में क्या होता है कि मैं जब भी रोज बनाना चाहती हूँ उसको बनाने में ही खो जाती हूँ और मैं ये वीडियो में ध्यान ही नहीं देती कि मेरा हाथ ना हट गया है वीडियो से और मैं बिल्कुल अपनी तरफ खींचती चली जाती हूँ उसको तो यहाँ पे मैं बेसिकली बना रही हूँ छोटे छोटे से रोज पहले उसके ऊपर क्रीम रखी उसके ऊपर थोड़ा सा एक कर्व देके बनाया और फिर सारी

कट कर लिया तो इस तरीके से मैंने तीन चार रोजेस यहाँ पे रख दिए ये देखिए जो ऊपर वाला जो रोज दिख रहा है ना वो मुझे पसंद नहीं आया था बट ठीक ओके फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से क्रीम में ग्रीन कलर डाल दिया है और जो कैप मुझे खाली दिख रहे हैं वहाँ पे मैं इसकी लीव बनाते जा रही हूँ और ये मैंने छोटा वाला जो आ, एक नोजल लिया है क्या बोलते हैं उसको कौन सा नोजल है ये एक छोटा वाला ओपन वाला नोजल है तो मैंने उसका कुछ ऐसा नंबर वम्बर नहीं है तो पूरा सेट आया था उसमें से मैंने लिया था और इस तरीके से मैं उसको गोल गोल करके

आ, बीच में रोजेस के आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रोज़ के बीच में पिंक कलर का स्प्रे कर दिया था तो देखने में बहुत ही अच्छा था गाइज अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई केक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय